विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश करंट इवेंट कर रहे हैं हम लोग प्रत्युत्तर दर्पण के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं आज 1898 ईस्वी के अधिनियम को निरस्त करके नया डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू। जून 2024 में देश में नया डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 से लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन बनाता मैं तो यहां से बनाता किस तारीख से लागू कर दिया गया है। 18 जून 2024 से लागू किया गया देश में नया डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ? 18 जून 2024 से लागू किया गया। इस नए अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। फिर क्वेश्चन बनाता मैं किसका स्थान लिया है? 1898 का स्थान लिया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। नए डाकघर अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं व सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। व्यवसाय करने व जीवन यापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के लिए विशेष विशेषाधिकार एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जैसे प्रावधानों को यह नया अधिनियम समाप्त करता है। अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। डाकघर विधेयक 2023 को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां 4 दिसंबर 2023 को यह पारित किया गया। बाद में लोकसभा में 18 दिसंबर 2023 को पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा 24 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुआ था। संचार मंत्रालय की 17 जून 2024 की अधिसूचना के अनुसार इस अधिनियम को 18 जून 2024 से प्रभावी किया गया। प्रभावी कब से हुआ? 18 जून 2024 से। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 24 दिसंबर 2023 को हाईलाइट कर दीजिए। ये होती है सोच, छोटी सोच के क्वेश्चन होते हैं। छोटी सोच मतलब वर्ल्ड एग्जाम जो होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? कब लागू हुआ, राष्ट्रपति के साइन कब हुए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी पूछता है कि इसमें ऐसा क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ी भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करने की, ऐसा क्या था उसमें, क्या कमियां थी, और जो नया डाकघर अधिनियम 2023 है जिसको कि 18 जून 2024 को लागू किया गया उसमें ऐसे क्या प्रावधान है कि क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा उससे। तो हल्का हल्का अगर मैं बताऊं भाई, आप अगर पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर आपने मेंस में इतना लिख दिया, क्या क्या लिख दिया, जैसे इसका उद्देश्य, अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, क्या लिख दिया, बैंकिंग सेवाओं व सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। अगर इतना लिख दिया तो यह माना जाएगा कि आप ज्ञानी हो, क्या हो, ज्ञानी हो। ऐसे ही व्यवसाय करने व जीवन यापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं वितरण के लिए विशेष विशेषाधिकार यानी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जैसे प्रावधानों को यह नया अधिनियम समाप्त करता है। अगर इतना लिख दिया, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जैसे शब्द अगर आपने प्रयोग कर दिए, विशेष विशेषाधिकार को अगर आपने लिख दिया, तो समझ लीजिए कि आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। लास्ट में लाइन में लिखना आपने, अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है उसमें इसका डिटेल आएगा, उस डिटेल को आपने क्या करना है, इसमें पढ़ना। समझ में आ गया, दर्पण में इतना ही बताया गया है। अगला, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी का दर्जा। अभी हाल ही में शिल्प नगरी का दर्जा किसे प्रदान किया गया? विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी का दर्जा। श्रीनगर कश्मीर वाला है, गढ़वाल वाला भी। अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए विश्व विख्यात श्रीनगर कश्मीर को विश्व शिल्प नगरी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, अंडरलाइन कीजिए, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद यानी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जून 2024 में प्रदान किया है। भाई इतना ही क्वेश्चन बन जाएगा, किसे अभी हाल ही में शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर श्रीनगर। एक नंबर मिल गया वनडे एग्जाम फ्री में। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से श्रीनगर में हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तथा साथ ही वहां के पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे
के विकास को लाभ मिलेगा। इससे पूर्व यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को को हाईलाइट कीजिए, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पेरिस, हेडक्वार्टर पेरिस ने क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता 2021 में प्रदान की थी। ठीक है जी, यूनेस्को से ही संबद्ध विश्व शिल्प परिषद ने अब शिल्प नगरी के रूप में मान्यता इसे प्रदान की है। इससे शिल्प नगरी के रूप में शिल्प परिषद से मान्यता प्राप्त भारतीय शहरों की संख्या अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इससे पूर्व भारत के 3 शहर कौन कौन से हैं, नंबर एक जयपुर, क्या काम होता है भाई यहाँ पर, कुदन जड़ाई का काम होता है, मीनाकारी का काम होता है, लाख आधारित, लाह भी बोलते हैं लाख भी बोलते हैं, लाह आधारित कार्य व गोटा पट्टी, ये काम कहां पर होता है, जयपुर में। दूसरा जो शिल्प नगरी है वो है मैसूरु में क्या काम होता है, किन्नल चित्रकारी, कौन सी चित्रकारी, चंदन व शीशम की लकड़ी की नक्काशी, ये काम होता है। और एक है मामल्लपुरम, पत्थर पर नक्काशी। ये मामल्लपुरम वही है जहां रथ मंदिर है, सब पैगोडा है ना, वंश परंपरा में चल रहा है वहां पर क्या, पत्थर पर नक्काशी का काम। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, किन्नल चित्रकारी कहां से संबंधित है, आंसर मैसूरू। मधुबनी चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है, मधुबनी बिहार की, मधुबनी आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऐसे ही विशेष प्रकार की साड़ियों का निर्माण होता है कहीं पर, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है, क्या बना चुका है, साड़ियों से क्वेश्चन बना चुका है, साड़ी समझते हैं, महिलाएं धारण करती हैं जो। तो भाई जयपुर, मैसूरु, मामल्लपुरम के बाद अब श्रीनगर भी शिल्प नगरी का दर्जा मिल गया है। विश्व शिल्प परिषद किससे संबंधित है, किससे संबद्ध है, यूनेस्को से। यूनेस्को ने इसको पहले क्रिएटिव सिटी बोला, यूनेस्को की एक जो संबद्ध विश्व शिल्प परिषद है उसने इसको शिल्प नगरी का दर्जा दे दिया। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद अभी हाल ही में जम्मू में रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ, 10 की मृत्यु हो गई। एक दुस्साहसिक कार्रवाई के तहत आतंकियों ने जम्मू संभाग के रियासी जिले में शिवखोड़ी शिव मंदिर, अंडरलाइन कीजिए, से कटरा लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर अंधाधुंध गोलियां 9 जून 2024 को बरसाई। बस चालक को भी गोली लगने से बस अनियंत्रित होकर लगभग 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार श्रद्धालुओं में से 10 की मृत्यु हो गई है, प्रारंभिक समाचारों के अनुसार हो गई है, जबकि अनेक लोग घायल हुए, मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अब सोचो आप, है ना, अगर आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे ना तो सारी जो शूटिंग होती थी कश्मीर में होती थी। इन बेवकूफ आतंकियों ने क्या किया कि एक डर का माहौल बना दिया। अब कश्मीर जाने से डरता है आदमी, डरता है तो फिल्म इंडस्ट्री वाले तो नहीं जाएंगे भाई। पहले शम्मी कपूर की सारी पिक्चरें हुई, राजेंद्र कुमार की सारी पिक्चरें हुई, पुरानी पिक्चरें देखना, जहां पर भी बर्फ में कोई गाना होगा, अमिताभ बच्चन की सारी पिक्चरें हुई, गाना भी है, ये कश्मीर है, कश्मीर है, है ना। तो कश्मीर इतना पैसा कमाता था, हाउस बोट होती थी, शम्मी कपूर जी ने गाना गाया ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो जिसने नहीं भी हाउस बोट में बैठना था वो भी बैठा, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते थे वहां के लोग। लेकिन क्या हुआ, आतंकवाद ने वहां के लोगों का क्या कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। अब थोड़े बहुत श्रद्धालु जाते हैं, एक अमरनाथ यात्रा होती है वो बंदूकों के साये में होती है, आपको पता है, मतलब श्रद्धालु कम और आर्मी ज्यादा दिखती है, इतना वो करना पड़ता है भाई। श्रद्धालु जाएंगे तो कमाई होगी वहां के लोगों को, रोजगार मिलेगा। अब उनको रोजगार विहीन कर दिया, फिर वो पत्थरबाजी करते हैं बाद में 500 रुपए लेते हैं, सुना है। तो इन आतंकियों को जड़ से मिटाना चाहिए वहीं के लोगों को, क्योंकि वहां के रोजगार पर घात किया है इन लोगों ने, ठीक है। कश्मीर जब बर्बाद हो गया तो फिर कहां जाने लगे लोग, हिमाचल, कहां जाने लगे, हिमाचल जब महंगा हो गया तब कहां आने लगे लोग, उत्तराखंड। पर्यटक देख रहे हो ना उत्तराखंड में कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वरना अगर कश्मीर में सब शांति, ये घटनाएं ना हो इस प्रकार की, तो
लोग आज भी प्रेफर किसको करते हैं, कश्मीर, लेकिन भाई जान का डर तो सबको होता है। तो इन आतंकियों को मारने का जो जिम्मा है वो खाली भारतीय सेनाओं का नहीं है, बल्कि उन स्थानीय लोगों का भी है जिनके रोजगार पर क्या किया इन्होंने। समझ में आ गया? ठीक है, अगला 9 जून को हुआ था ये हमला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले थे, उसी समय इन्होंने हमला कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आतंकियों की संख्या 4 थी, जो घात लगाकर पहले से पौनी व शिवखोड़ी के बीच में बस के आगे आकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, तथापि हमला करने वाले आतंकियों की पहचान का दावा पुलिस ने किया है तथा उनकी तलाश जारी है। जून माह के अंत तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारियां होती भी नहीं है अब। इस सरकार ने साफ साफ आदेश दे रखे, जो भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देगा उनको सीधे दोजक पहुंचाना है। कि चलिए जी आगे, संसद में संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आपने आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का 87 क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में, मतलब प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में और प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में अपना अभिभाषण करेंगे क्या करेंगे, स्पेशल एड्रेस जिसको बोलते हैं, एड्रेस करेंगे। और जब राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं उसमें क्या होता है, क्या होता है भाई, उसमें सरकार की नीतियां होती हैं। अभी कुछ समय पहले सुना होगा आपने, जनवरी फरवरी में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हुआ था, उस पर मैंने पूरी क्लास कराई थी। अब क्या हुआ, फिर दोबारा चुनाव हुए, नई सरकार बनी, नया सत्र बैठा, तो नए सत्र के प्रथम दिन क्या होगा, अभिभाषण होगा। किसका? राष्ट्रपति का। कौन करेगा उस अभिभाषण को तैयार, कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति को सिर्फ पढ़ना होता है। उसमें क्या होता है, सरकार की नीतियां होती हैं। क्या होती हैं? सरकार की नीतियां होती हैं और सरकार की उपलब्धियां होती हैं। उसके बाद क्या करना होता है, धन्यवाद प्रस्ताव करना होता है। किसको? राष्ट्रपति। अगर धन्यवाद प्रस्ताव गिर गया तो समझ लो सरकार भी गिर गई। धन्यवाद प्रस्ताव कब गिरेगा, जब सरकार में ही बैठे हुए कुछ लोग उसका विरोध करेंगे। अब जब सरकार में बैठे हुए लोग अगर उसका विरोध करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव का, इसका मतलब वो अपनी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, यानी विरोध कर रहे हैं, यानी उस सरकार को फिर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, धन्यवाद प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के गठन के 4th दिन संसद के दोनों सदनों के पहले संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून 2024 को संबोधित किया। 27 जून को हाईलाइट करना है आपने, क्या करना है, संविधान के अनुच्छेद 87 इसको हाईलाइट करना है आपने, के तहत किए गए इस अभिभाषण में केंद्र सरकार की विगत 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही 2047 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में, अंडरलाइन कीजिए, विकसित भारत, क्या विकसित भारत के रूप में मनाने का आह्वान अपने 50 मिनट के इस अभिभाषण में किया गया। 18वीं लोकसभा के लिए नव निर्वाचित सभी सांसदों को बधाई देते हुए विश्व के इस सबसे बड़े चुनाव के सफल आयोजन के लिए सर्वप्रथम चुनाव आयोग का आभार देशवासियों की ओर से उन्होंने व्यक्त किया। अमृत काल चल रहा है आजादी का, अमृत काल के शुरुआती वर्षों में गठित 18वीं लोकसभा को कई मायनों में ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह लोकसभा संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की भी साक्षी भी बनेगी। क्या बनेगी? अरे भाई, संविधान को कब अपनाया था हमने, एडॉप्ट कब किया था? हाँ जी, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, और वहां से गिन लो कितने साल हो गए। यानी ये लोकसभा जो चल रही है ये 75वां वर्ष की भी साक्षी बनेगी ये लोकसभा, यानी 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में जोड़ दो 75, 74 जोड़ दो बल्कि, तो 75वां वर्ष हो जाएगा वो, है ना? तो क्या निकल के आ रहा है, जोड़ो। हाँ जी,
1949 में 75 जोड़ो ना, 9, 5, 14, 4 गैर लगी 1, 8, 4, 12, हाँ ठीक था, 1924 ठीक है। इसका मतलब इस साल 26 डे ऑफ नवंबर 1924 तो 75 साल हो जाएंगे, जिसको जब संविधान सभा ने अंगीकृत किया था संविधान को। सरकार की विगत वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपने इस अभिभाषण के शुरू में ही कहा था कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है तथा 10 वर्षों से विश्व की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उठाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, अंडरलाइन कीजिए, विश्व की कौन सी इकोनॉमी है भारत, 5वें नंबर की है भारत, हो गया है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। उन्होंने बताया कि 2021 से 2024 के बीच भारत ने औसत 8% की गति से विकास किया है, अंडरलाइन, 8% की गति से विकास किया है तथा यह बीते 10 वर्षों के रिफॉर्म एवं राष्ट्र हित में लिए गए बड़े फैसलों के कारण संभव हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब उनकी सरकार भारत को विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों, अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ क्या होते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। PLI की फुल फॉर्म बताइए, आप देख रहे होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर काफी अच्छा हो गया, पहले बहुत बुरा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है जब भी कोई निवेशक निवेश करना चाहेगा तो सबसे पहले वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो देखता है कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर निवेश किया जा सकता है, जहां पर स्थायी सरकार है, जहां पर आतंकवाद, गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, है ना। हाँ जी, तो PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कृषि की बात करते हुए राष्ट्रपति जी ने बताया कि उनकी सरकार ने विगत 10 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया है, इनमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। देखो सहकारिता बार बार आ रहा है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, बिल्कुल सही, इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है भाई, सहकारिता को प्राथमिकता, कोऑपरेटिव को प्राथमिकता दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.20 लाख करोड़ की सहायता, कितनी, 3.20 लाख करोड़ की सहायता किसानों को दी जा चुकी है तथा खरीफ फसलों के MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि। MSP बोलते हैं किसको, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, तो 3.20 लाख करोड़ की सहायता किसानों को दी जा चुकी है। खरीफ फसलों के MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि सरकार ने की है। दलहनों और तिलहनों में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव मदद किसानों को सरकार दे रही है। आने वाले समय में हरित युग, ग्रीन इरा बताते हुए हरित उद्योगों में सरकार के निवेश में वृद्धि का उल्लेख भी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया है। महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया कि मुफ्त राशन व सस्ते गैस सिलेंडर की योजनाओं से महिलाएं बहुत लाभान्वित हो रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बैंक जमाओं में बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का उल्लेख भी उन्होंने किया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति परिवार को ₹30,000 से 78,000 तक की मदद सरकार कर रही है और 1 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं, PM गरीब कल्याण योजना, PM गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्रों,
पीएम स्वनिधि योजना, पीएम जनधन योजना आदि का उल्लेख भी इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया। इन योजनाओं को खास ध्यान देना है, आपने डिटेल देखनी है। सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों में किए गए रिफॉर्म के चलते बैंकिंग, बीमा और अर्थव्यवस्था के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में आई मजबूती का उल्लेख राष्ट्रपति ने अभिभाषण में किया। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति जी ने बताया कि इस रिफॉर्म के चलते भारत अब 1,00,000 करोड़ से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तथा विगत एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना बढ़कर ₹21,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। इसको हाईलाइट कीजिए भाई, उत्तर प्रदेश और डिफेंस कॉरिडोर कहां पर विकसित किए जा रहे हैं? आंसर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ जगह का नाम है कि एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की गई है। सरकार की नीतियों एवं प्रयासों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया और कहा कि भारत को देखने का विश्व का नजरिया किस तरह से बदला है, यह इटली में हुए जी सेवन सम्मेलन में सबने अनुभव किया है। ग्रुप ऑफ 7, पहले ग्रुप ऑफ 8 बोलते थे उसको, रशिया को बाहर निकाल दिया गया है, अब ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं। अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व को अनेक मुद्दों पर भारत ने एकजुट किया। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया। इसको हाईलाइट कीजिए, इसके बारे में पढ़ना डिटेल आपने, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। राष्ट्रपति जी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉरिडोर 21वीं सदी के सबसे बड़े गेम चेंजर्स में से एक सिद्ध होगा। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का यह अभिभाषण 27 जून 2024 को था। 49 वर्ष एवं 25 जून 2075 को लागू हुए आपातकाल का स्मरण करते हुए 25 जून 1975 49 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल का स्मरण करते हुए इसे संविधान पर सबसे बड़ा हमला और काला अध्याय राष्ट्रपति ने बताया। भारत के संविधान को केवल राजकाज का माध्यम ही नहीं बल्कि जन चेतना का हिस्सा बनाने के सरकार के प्रयासों की बात राष्ट्रपति जी ने कही। विगत 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख के पश्चात आने वाले वर्षों में सरकार एवं संसद के निर्णयों व नीतियों पर संपूर्ण विश्व की नजर राष्ट्रपति जी ने बताई। आने वाले दौर को भारत का दौर बताते हुए उन्होंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाने तथा विकसित भारत बनाने का आह्वान सभी देशवासियों से किया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अंडरलाइन कीजिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख किया और बताया कि देश में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज व 390 विश्वविद्यालय विगत 10 वर्षों में स्थापित किए गए हैं तथा एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में काम सरकार कर रही है। परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में उन्होंने व्यक्त की। कितने IIT? 7 नए IIT। कितने IIIT? 16 नए IIIT। कितने IIM? 7 नए IIM। कितने एम्स? 15 एम्स, है ना? तो भाई यही तो चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय 10 वर्षों में, है ना, स्थापित किए गए, बड़ी बात है भाई। तो ये आपका क्या है भाई, ये था आपका नेशनल, पढ़ा मैंने अभी खाली, क्या पढ़ा? नेशनल। इसके बाद इंटरनेशनल घटनाक्रम, इसके बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो मैं थोड़ा सा पहले G7 का बता देता हूं आपको। G7 का जो 50वां शिखर सम्मेलन हुआ वो इटली के फसानो,
अपुलिया, अंडरलाइन कीजिए इटली, अंडरलाइन कीजिए फसानो अपुलिया में संपन्न हुआ। आउटरीच सम्मेलन को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। ठीक है, G7 क्या है? विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हाईलाइट कीजिए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी में अपुलिया, हाँ अपुलिया में फसानो में 13 से 15 जून 2024 को संपन्न हुआ। वन डे एग्जाम जो आएंगे वहां पे डेट पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है, मेजबानी पूछ सकता है, इटली के प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकता है, शिखर सम्मेलन का नंबर पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है पहले G8 था, G7 क्यों हुआ, कौन बाहर हो गया, तो रूस बाहर हो गया। इसका मैस्कट देख लीजिए, इसका जो ये बना रखा है वृक्ष सा बना रखा है, G7 इटालियो 2024, इसको ध्यान से देखिए। G7 के सभी शासन प्रमुखों, कनाडा के प्रधानमंत्री देखो भाई कौन है, जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री कौन, फुमिया किशिदा, जर्मनी के चांसलर कौन, ओलाफ सोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये तो हटके शायद, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ अधिकारी यानी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियान, ये सब याद करने हैं आपने कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष कौन, उर्सुला वान डेर लियान, और यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल, परिषद अलग होती है, आयोग अलग होता है। ठीक है, परिषद के अध्यक्ष अलग होते हैं, के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। विशेष आमंत्रितों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ड, ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति कैश शहीद, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान, मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल माजिद तेबुने, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेबीएन मिलेई, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकेंड व कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दगन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा आदि के अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस भी शामिल थे। इतने लोग शामिल थे, इतना समझ में आ गया। G7 के इतिहास में पहली बार पोप फ्रांसिस ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेकर इसे संबोधित भी किया। आज तक पोप नहीं आए थे, कभी पहली बार आए पोप। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जोजीवा, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष आकिन वूमी आदेसिना और OECD के महासचिव मैथियास कोरमान ने भी शिखर सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज की। अब देखो ना, एक कॉलम पढ़ने में ही आपको क्या हो गया, सारे कवर हो गए, कौन क्या है ना? नहीं, अब बोलोगे याद कैसे होगा, तो करना पड़ता भाई, क्या करें। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, कौन है अजय बंगा, IMF के प्रधान प्रबंध निदेशक कौन है क्रिस्टलिना जोजीवा, UN महासचिव कौन है एंटोनियो गुटेरेस, ये याद करने पड़ते हैं। G7 का यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब एक और वैश्विक समस्याओं का स्वरूप विकराल होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, गाजा में हमास के विरुद्ध इसराइल की लड़ाई सिर उठाए हुए है। वहीं दूसरी ओर G7 के अधिकांश नेता अपने देश में होने वाले चुनाव के साथ साथ अपनी घटती लोकप्रियता व घरेलू संकटों में उलझे हुए हैं। G7 के सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व कनाडा में आम चुनाव होने को है, हो भी चुके।
है ना, ब्रिटेन में तो हो चुके, ऋषि सोनक हट गए, उनकी जगह पे कौन आए। हाँ, तो जबकि जापान में भी सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है, इन सब के बीच मेजबान इटली को 47 वर्षीय प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस शिखर सम्मेलन में सबसे मजबूत नेता बनकर उभरी। जॉर्जिया मेलोनी 3 दिन चले इस शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ गाजा युद्ध के मुद्दे पर जहां ज्वलंत रहे, वहीं जलवायु परिवर्तन, अंडरलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल साउथ में चल रही अनिश्चितताओं, यूरोप में मानव तस्करी व अनियंत्रित प्रवास, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के मुद्दे की चर्चा भी शामिल रही। यूक्रेन की मदद के लिए सम्मेलन में पहले ही दिन अमेरिका के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें रूस की जब्त संपत्ति को जमानत के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को $50 अरब, कितना, यूक्रेन को $50 अरब का ऋण दिया जाएगा। अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाले इस ऋण के अतिरिक्त ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के लिए मानवीय मदद के रूप में $31 करोड़, ब्रिटेन ने कितने, $31 करोड़ की मदद की घोषणा की। शिखर सम्मेलन के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर चर्चा के दौरान G7 देशों के नेताओं की बातें करने का मन कर रहा है तो बाहर चले जाओ, या तो सुन लो या बाहर जाओ। G7 देशों के नेताओं की इस दशक में जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। जीवाश्म ईंधन की कटौती को अंडरलाइन करना आपने, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई वो ध्यान रखना आप। तो जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके तहत 2030 में मीथेन गैस उत्सर्जन में 75% तक की कटौती का लक्ष्य रखा गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कितने परसेंट, 75% 2030 तक। डेट याद करनी है आपने, कब तक, 2030 तक मीथेन गैस उत्सर्जन में कितने परसेंट की कटौती, या मीथेन गैस उत्सर्जन में 75% कटौती का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, 2030 तक। इस संबंध के सम्मेलन में जारी एक ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस दशक में जीवाश्म ईंधन की खपत को जहां चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए समुचित कार्यवाही की जाएगी, वहीं हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को अंडरलाइन कीजिए, कब तक, 2050 तक नेट जीरो करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना पर भी तेजी से अमल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों के अलावा ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से कम करने की सहमति ड्राफ्ट में की गई है। ठीक है, इटली में फसानो प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी, फसानो प्रवास, फसानो जगह का नाम है भाई, वहां पर है अपुलिया, ठीक है, अपुलिया में फसानो प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में से इतर मेजबान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अतिरिक्त पोप फ्रांसिस से अलग-अलग मुलाकातें हुई तथा द्विपक्षीय मामलों पर संक्षिप्त अनौपचारिक चर्चाएं हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को श्री मोदी ने कहा कि उनके संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान को बातचीत व कूटनीति के माध्यम से प्रोत्साहित करने को जारी रखेगा और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने हेतु अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा। G7 का आगामी यानी 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा की मेजबानी में कैलगरी के दक्षिण पश्चिम में कनाना स्किस अल्बर्टा में अगले वर्ष होगा। कनानास्किस अल्बर्टा में अगले वर्ष होगा G7 का शिखर सम्मेलन, कहां पर, कनाडा, कनाडा में कहां, कैलगरी, कैलगरी के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कहां, कनानास के अल्बर्टा। ठीक है भाई, साथ में बता दूं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास एवं निवेश संबद्ध के लिए परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे विकसित करने के लिए जिन प्रमुख परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात G7 सम्मेलन में समापन पर जारी विज्ञप्ति में कही गई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, क्योंकि
इसकी इंडिया मिडिल ईस्ट यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC भी शामिल है। इसकी परिकल्पना सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस गलियारे के तहत भारत, सऊदी अरब, यूरोप व अमेरिका के बीच एक विशाल सड़क, रेल और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है, जिससे एशिया, पश्चिम एशिया व पश्चिम के बीच व्यापारिक जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। इधर समझ में आ गया। भारत G7 का सदस्य नहीं है, तथापि क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आउटरीच पत्र को संबोधित करने के लिए मेजबान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। आउटरीच सत्र उन बैठकों को कहा जाता है जिसमें G7 के सदस्य देशों के साथ आमंत्रित गैर सदस्य देश व संगठन भाग लेते हैं। आउटरीच सत्र को अंडरलाइन कीजिए। गैर सदस्य देश व संगठन जब भाग लेते हैं G7 के इतर या G7 के सदस्य देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य देश और संगठन भाग लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं आउटरीच सत्र। ऐसे सत्रों के लिए किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार मेजबान देश को होता है। यह पांचवा अवसर था जब G7 आउटरीच सत्र में भाग श्री मोदी ने लिया। इससे पूर्व 2019, 21, 22, 23 में G7 आउटरीच सत्र में वह भाग ले चुके थे। श्री मोदी से पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया था। अपनी इस भागीदारी के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन पर आउटरीच सत्र को 14 जून को संबोधित किया। इसको अंडरलाइन कीजिए भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन पर आउटरीच सत्र को 14 जून को संबोधित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत को AI मिशन की बात करते हुए AI फॉर ऑल के मूल मंत्र को उन्होंने दोहराया। AI पर जोर देते हुए प्रौद्योगिकी के रचना का को तो रचनात्मक बनाने का आह्वान उन्होंने किया, ना कि विनाशकारी। पिछले वर्ष भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में AI के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शासन के महत्व की बात दोहराते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य सभी की प्रगति एवं कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए। भारत में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2070 तक, अंडरलाइन कीजिए इसको, नेट जीरो, जीरो मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2070 तक रखा है, ठीक है, का लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को अंडरलाइन करना है का उल्लेख करते हुए वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लांट फॉर मदर, एक पेड़ मां के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट फॉर मदर, एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि उनकी अध्यक्षता में ही अफ्रीकी यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? हाँ जी, एक और घटना बता रहा हूं। विमान दुर्घटना में मालावी के उपराष्ट्रपति चिली में का निधन हो गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता कि अभी हाल ही में इसका निधन हुआ, तो अफ्रीकी देश मालावी पता है, कैपिटल कहाँ है मालावी की? मालावी की कैपिटल कहाँ है? लेक मालावी भी है और एक देश भी है मालावी, न्यासालैंड बोलते हैं इसको, मालावी को मालावी, लिलोंगवी, हाँ लिलोंगवी कैपिटल है उसकी। मालावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा, साउलोस
क्लास चिलीमा का एक विमान दुर्घटना में 10 जून 2024 को निधन हो गया। एक सैन्य विमान के जरिए राजधानी लिलोंगवे से स्थानीय समय अनुसार 9 बजे उड़ान भरी थी। 45 मिनट बाद 370 किलोमीटर दूर म्यूजुजू, अब इसको तो पढ़ना भी बड़ा कठिन है, जुजू मुजुजू MZUZU अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे उतरना था। खराब मौसम के कारण मुजुजी हवाई अड्डे पर विमान लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और वापस लौटा दिया गया। इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया और बाद में इसका मलबा अगले दिन पहाड़ी क्षेत्र में मिला। विमान पर चालक दल के 3 सदस्यों के अतिरिक्त 6 अन्य लोगों भी सवार थे, जो सभी इस दुर्घटना में मारे गए। उनके निधन से आहत लाजरदा चकबेरा ने उनके निधन पर 21 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। 51 वर्षीय साउलोस चिलीमा मई 2014 में पहली बार उपराष्ट्रपति बने थे। पहली बार जून 2020 में वे दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद पर निर्वाचित हुए थे। आगामी चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी। तो विमान दुर्घटना में कहां के राष्ट्रपति की अभी हाल ही में निधन हो गया है, मालावी, और मालावी के राष्ट्रपति का नाम, हाँ जी, साउलोस क्रास चिलीमा, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है भाई। अगला, दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। 30 वर्षों में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 30 वर्षों में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। ऐसे ही मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, क्लाउडिया सीनबाम। कौन? क्लाउडिया सीनबाम पहली महिला राष्ट्रपति। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। कहां पर? साझा बयान पर हस्ताक्षर ना करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। हस्ताक्षर नहीं किए भारत ने। ठीक है भाई, तो ऐसे नेशनल न्यूज पढ़ेंगे हम, कहेंगे तो ठीक है, इतना काफी, फिर अगले लेक्चर में बताते हैं।